नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आज की हमारी वीडियो वीडियो नंबर फाइव रहने वाली है जनरल साइंस के क्वेश्चंस की तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्वेश्चन कौश्यं नंबर वन है ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कंपाउंड ऑफ ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑप्शन बी है सोडियम ऑप्शन सी है मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी है सल्फर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है एज अ क्लिनजिंग एजेंट लॉन्ड्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है क्वेश्चन नंबर टू है विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज हिट एंड हाइड वायरस ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है हमारे पास आर एस वी वायरस ऑप्शन बी है डेंगू वायरस ऑप्शन सी है इन्फ्लुन्जा वायरस एंड ऑप्शन डी है एच आई वी वायरस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर एस वी वायरस जिसको रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस भी बोला जाता है ये एक कॉमन वायरस होता है जो कि माइल्ड फीवर या फिर कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसके इन्फैंट्स और ओल्डर एडल्ट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है इसीलिए इसको हिट एंड हाइट वायरस बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ़ ब्लड सेल्स इज कैप्ट इन डिस्टिल वाटर व्हाट विल हैपन अगर रेड ब्लड सेल्स को हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं तो क्या होगा ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए e है श्रिंक एंड कोलेब्स ऑप्शन बी है स्टिक टुगेदर ऑप्शन सी है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बर्स्ट ऑप्शन डी है रिमेन्स सेम रेड ब्लड सेल्स को रिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है जब हम रेड ब्लड सेल्स को डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जो होती है वो लो होती है और वाटर की कंसनट्रेशन हाई होती है इसीलिए जो वाटर मूव करेगा वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा मतलब सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा और जिससे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और सेल फट जाएंगे या फिर बर्स्ट हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फोर है कॉजिंग एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्रोड्यूसेस इंटीग्रेज एंजाइम्स ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है मलेरिया ऑप्शन बी है स्मॉल पॉक्स ऑप्शन सी है स्वाइन फ्लू एंड ऑप्शन डी है एड्स इंटीग्रेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एड्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है बेंजीन तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन बी में है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड को हम ऑसवॉल्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं जब हाइड्रोक्लोराइड को वाटर में ऐड किया जाता है तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है एंड ऑप्शन डी में है बेंजीन बेंजीन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू प्रिपेयर होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इज़ यूज इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस पॉलीथीन ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है मीथेन ऑप्शन बी है इथीन ऑप्शन सी है इथाइन एंड ऑप्शन डी है बेंजीन सो बेसिक यूनिट जो होती है पॉलीथीन की वो होती है इथीन जिसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं सो so इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इथीन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लीनियर पॉलीमर लीनियर पॉलीमर्स हमारे पास लॉन्ग चेंज होती हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है ऑप्शन ए है स्टार्च ऑप्शन बी है पॉलीथीन ऑप्शन सी है नाइलॉन्स ऑप्शन डी है पॉली एस्टर्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्टार्च स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि बना होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्वेश्चन नंबर एट है विच मेटल इज यूज इन गैलवेनाइजेशन प्रोसेस ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है टिन ऑप्शन बी है लेड ऑप्शन सी है जिंक ऑप्शन डी है कॉपर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज जिंक गैलविनाइजेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें हम स्टील या फिर आयरन को प्रिवेंट करते हैं रस्ट से बाय जिंक प्लेटिंग क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ दीज नॉन मेटल्स इज़ कॉमनली यूज इन फायर क्रैकर्स फायर क्रैकर्स में कौन सी मेटल नॉन मेटल का यूज़ होता है ऑप्शन ए है सिलिकन, ऑप्शन बी है न्योन ऑप्शन सी है सल्फर एंड ऑप्शन डी है फ्लोरीन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेट इज सल्फर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग इज ऑप्शन ए है राना टिग्रीना ऑप्शन बी है राना एस्कुलेंटा ऑप्शन सी है राना स्लाइवेटिका ऑप्शन डी है राना साइनोफिक्टस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राना ऑप्शन बी में है राना स्किलेंटा इस टाइप के फ्रॉक को बोला जाता है यूरोपियन फ्रॉक और ऑप्शन सी में है राना सेलिवेटिका राना सेलिवेटिका को वुड फ्रॉक बोला जाता है और ऑप्शन डी में है राना साइकोफिक्टस। इसको स्किपर फ्रॉक बोला जाता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें